इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे पास जो हेलमेट है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास कौन सा हेलमेट है जिसपे मैं माउंट करूँगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी भी मेरे बालों पे तेल ऐसे ही है, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। कल रात में जैसे चंपी करके सोया था, अभी अच्छे से फ्रेशली नींद हो गई है। इसको बंदे से बोलता हूँ कि जल्दी उठ जाओ, लेकिन अभी तक नहीं उठ रही। और लेट नहीं करना, चलो उठो, चलो चलो जल्दी, चलो चलो उठो जल्दी। आपको यहाँ पे आप देखोगे मेरा टेबल है, ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है, तो इसको भी मैं जमाऊंगा बाद में, ये पूरा मुझे क्लियर करना। ओके, तो मैं हो गया हूँ फ्रेश। जैसे मैं आपको बोला था कि मैं आपको मेरा चिन माउंट जो मंगाया मैंने अमेजोन से वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसके पहले आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले पहले वो देख लेते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में है ये बन रहा है आलू वाला सैंडविच, अभी उसकी प्रिपरेशन चालू है। एक और चीज मुझे अपडेट ये देनी थी कि मेरे नप्पू का भी एक यूट्यूब चैनल है चॉप एंड कुक के नाम से, तो वो काफी पहले से, मैंने तो अभी स्टार्ट किया इसको तो काफी टाइम से, तो वहां पे वो अपने रेसिपीज वगैरह अपलोड करती है, चाहिए वो आप देख सकते हो, आप बना सकते हो, तो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और उसको भी सपोर्ट करो, तो उसको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे उसको और वीडियोज बनाने। और अगर आपको अच्छा डिलीशियस खाना खाना है तो ये वो लड़की है। इसका ब्रेकफास्ट का काम हो जाए फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो अमेजोन से मैंने जो मंगाया है ये वाला बॉक्स, अभी उसके पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे पास जो हेलमेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सा हेलमेट है जिसपे मैं माउंट करूँगा। चलो शुरू करते हैं। ये है माउंट, तो इसमें कैसे कि यहाँ पे रबर की पैडिंग्स आती हैं, तो ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा सपोर्ट देता है हेलमेट के लिए। जहाँ ऑप्शन है यहाँ पे इसके दो क्लिप्स हैं, यहाँ पे इसका जो नीचे जो बेल्ट है ना, इसको हम यहाँ से इस तरीके से ओपन करके इस बेल्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसको खींच के ना यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। क्वालिटी ओके है, मुझे लगता है कि मैं पहले जो एंत्राला का मंगाया था वो काफी अच्छी थी और काफी बड़ा भी था, ये थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है। एनीवेज हेलमेट पे माउंट करके देखेंगे ये कैसे क्या, इसका स्टेबिलिटी कैसी है। दिख तो रहा है अच्छा क्वालिटी वाइज, लेकिन लेट्स सी। अब इसके अलावा और यहाँ पे और कुछ माउंट्स भी हैं, ये भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। ये है, ये क्लिप है, ये जो क्लिप है ना ये क्लिप लग जाएगी यहाँ पे, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस क्लिप को लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे प्रेस करना, पुश करना, अगर मैं इसको पुश करूँगा ये यहाँ पे लग गया, तो इसके यहाँ पे ऊपर जो है आएगा अपना कैमरा। तो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ दी हुई है, साथ में उन्होंने दिया हुआ है एक और ये माउंट। अब ये क्या माउंट है ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक और माउंट दिया है इन लोगों ने, तो ये माउंट जो है ये स्क्रू के साथ है। ये तो इसको हम ऊपर से एक्स्ट्रा लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से इससे इसके थ्रू इसको माउंट कर सकते हैं, एल्स हम इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये ईजी होता है, अगर आप इसको लगाते हैं ना तो इसके आगे कैमरा लग जाएगा, तो जब ये कैमरा यहाँ पे लग जाएगा ना तो इसमें आसानी ये होगी कि आप इसको इस तरीके से, अब देख लो इस तरीके से इसको मूव कर सकते हो, तो आप कैमरा को भी कैमरे का एंगल चेंज कर सकते हो वाइल राइडिंग। इसका जो कॉस्ट है ये है 500 रुपीज का, जो बिगिनर्स है जिनको व्लॉगिंग करना है तो उनके लिए काफी अच्छी चीज है। हेलमेट के ऊपर आपको एमसील वगैरह लगा के ये छोटे जो क्लिप्स आते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है, माउंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक ले लो, आपका एक्शन कैमरा अच्छे से और आराम से मिल जाए। वो है मेरा हेलमेट जो मेरे पास है, वो हम उसको माउंट भी करके मैं आपको बता दूँ। ओके, सो दिस इज माय हेलमेट, स्टड्स का हेलमेट। ये वाला जो वाइजर है ये डे लाइट वाइजर, मैंने इसको बिठा के रखा था। इसका और एक वाइजर है मेरे पास, लेकिन वो वाइजर मैंने निकाला है बिकॉज वो डे लाइट में बाइक राइडिंग के लिए मुझे दिक्कत दे रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। बेल्ट्स हैं इधर ऊपर भी, एयर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पोर्शन इधर का, तो ये माउंट जो लगेगा वो ये वाले पोर्शन में लगेगा, आगे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में लगेगा। मैं इसको अभी माउंट करके बताता हूँ आपको। तो ये अब हमारा माउंट हो गया है रेडी, ये काफ़ी स्टिफ है और मैंने उसको अच्छे से माउंट किया है और अपना कैमरा लोड करने के लिए रेडी है। सॉरी, मेरी आवाज़ यहाँ पे क्लियर नहीं थी, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको हेलमेट को एमसील वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो अभी हमारा सैंडविच रेडी हो गया है, अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो अब मैं ये खाऊंगा। और वो पीछे जो हेलमेट रखा हुआ है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि माउंट कैसे करना है, और मैंने वीडियो की एंडिंग करना भूल गया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।